नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौंद के मुख्य बाजार में हिसार लोकसभा प्रत्याशी जय प्रकाश उर्फ जेपी की जीत की खुशी में पूर्व नगर पार्षद सुरेश सोनी नारनौंद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। पूर्व पार्षद सुरेश सोनी ने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस की टीम ने बहुत मेहनत की है, जिसके फल स्वरूप नारनौंद क्षेत्र से 43,794 मतों से जेपी की बम्पर जीत हुई है, इसलिए उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बलवंत राय, नंबरदार सुबह सिंह, जुगनू सुरेश, मोहित सोनी, प्रदीप दिनोदिया, साहिल, शुभम, रामचंद्र, विक्रम, रामदिया, अमित, रमेश और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जेपी की जीत की लड्डू बांटकर खुशी मनाई। युवा कांग्रेस नेता मोहित सोनी ने कहा कि नारनौंद की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें धर्म और जात पात की राजनीति पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि नारनौंद की जनता ने भाजपा को वोट की चोट से इसका करारा जवाब दिया है और नारनौंद से इंडिया गठबंधन कांग्रेस समर्थित जेपी की बम्पर जीत इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जो जनहित की बात करेगा वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। हिसार से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।